बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मोजस ख़वातीनो हज़रात, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं एक बार फिर आमोज़िश ज़बान फ़ारसी की इस क्लास में आपको खुश आमदेद कहता हूँ। आज की इस नशस्त से हम फ़ारसी ज़बान सीखने का बाकायदा आगाज़ करेंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप कोई भी ज़बान सीखना चाहें, सबसे पहला सबक बिलअमूम इसमें इशारा होता है। इसमें इशारा से मुराद ऐसे कलिमात हैं जिनकी मदद से आप किसी चीज़ की तरफ, किसी शख्स की तरफ इशारा करते हैं। और बिलअमूम इसके दो हिस्से हैं, एक को हम इशारे नज़दीक और दूसरे को इशारे दूर कहते हैं। नज़दीक की चीज़ की तरफ इशारा करना हो तो उर्दू में हमारे पास ये का लफ्ज़ मौजूद है। इसी तरह से अगर दूर की तरफ इशारा करना मकसूद हो तो हम वो का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह फ़ारसी में नज़दीक के इशारे के लिए इन और दूर के इशारे के लिए आन जैसे अल्फाज मौजूद हैं, यानी इन, ये, आन, वो। इसके साथ एक और लफ्ज़ अगर आप सीख लें तो फ़ारसी में जुमला बना सकते हैं, और ये लफ्ज़ है अस्त। अस्त वही लफ्ज़ है जिसे उर्दू में है कहते हैं। अगर इन दो कलिमात की मदद से मैं जुमला बनाना चाहूं तो यूं बन सकता है, इनस्त यानी ये है, और आनस्त यानी वो है। गुज़श्ता क्लास में मैंने ज़िक्र किया था कि उर्दू और फ़ारसी में मुश्तरक कलिमात की तादाद बहुत ज़्यादा है। आज इसकी तरफ आइए एक नज़र डालते हैं, बाज़ ऐसे कलिमात पर, बाज़ ऐसे अल्फाज पर जो उर्दू और फ़ारसी में मुश्तरक हैं। मसलन किताब, कलम, अंगूर, अनार, दीवार वगैरह वगैरह। इन्हीं कलिमात को अगर हम इन जुमलों में इस्तेमाल करना चाहें तो हमारा जुमला मुकम्मल हो सकता है, इन किताबस्त यानी ये किताब है। अगर यही लफ्ज़ मैं यहाँ पर लिख दूँ तो फिर भी ये जुमला मुकम्मल हो जाएगा, आन किताबस्त यानी वो किताब है। देखिए, आपने सिर्फ दो अल्फाज सीखे, इनस्त और आनस्त, और इनकी मदद से आप एक मुकम्मल जुमला बनाने के काबिल हो गए हैं। फ़ारसी ज़बान की तदरीस के सिलसिले में हमने आपके लिए जिस किताब का इंतखाब किया है वो आमोज़िश फ़ारसी है। खाने फरहंगे जमहूरी इस्लामी ईरान लाहौर ने यह किताब आम तलबा व तालिबात के लिए या ऐसे ख़वातीन व हज़रात के लिए तैयार की है जो फ़ारसी ज़बान सीखना चाहते हैं और फ़ारसी की क्लासेस में आना उनके लिए मुमकिन नहीं है। तो ख़त व कताबत के ज़रिए फ़ासलाती तालीम के लिए यह किताब तैयार की गई है, और हम भी अपनी इन क्लासेस में इसी किताब से इस्तेफादा करेंगे। इस किताब के पहले सबक का आगाज सफ़ा नंबर 3 से होता है, और यहाँ पर कुछ ऐसे अल्फाज दिए गए हैं जो फ़ारसी में इस्तेमाल होते हैं और उनके बिलमुकाबिल उर्दू में उनका तर्जमा भी दिया गया है।
मैं आपके लिए दरस अव्वल के आगाज़ में दिए गए फ़ारसी अल्फाज उर्दू तर्जुमे के साथ पढ़ता हूँ। दर्स, सबक, साअत, घड़ी। यहाँ ये भी बताता चलूँ कि साअत का लफ्ज़ घंटे के लिए भी इस्तेमाल होता है। मेदाद, पेंसिल। खिताब, इसे उर्दू में भी किताब ही कहते हैं। उताग, कमरा। दुख्तर, लड़की। खाने, घर। अर्ज करता चलूँ कि फ़ारसी में हमारा ज़्यादा रुझान ज़ेर की तरफ है। हम उर्दू बोलते हुए इसे खाना कहते हैं, या अगर लफ्ज़ नामा हो तो उसे खबरनामा वगैरह नामा का नामा कहकर तलफ़ुज़ करते हैं, जबकि फ़ारसी में ज़ेर की तरफ रुझान है और हम खाना को खाने और नामा को नामे तलफ़ुज़ करते हैं। दानिश आमूज, तालिब इल्म। अस्त, है। इन, ये। कलम, इसे उर्दू में भी कलम ही कहते हैं। अव्वल, पहला। खिलास, उर्दू में भी ये लफ्ज़ खिलास ही कहलाता है। फिसर, लड़का। बेटे के लिए भी हम यही लफ्ज़ यानी फिसर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जो हमने लफ्ज़ सीखा दुख्तर, लड़की के लिए, यही लफ्ज़ बेटी के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। दफ्तर, कॉपी या रजिस्टर। फंजरे, खिड़की। शागिर्द, वही शागिर्द। दानिशजू, तालिब इल्म। याद रखिए कि बिलअमूम यूनिवर्सिटी या कॉलेज की सतह के तालिब इल्म को दानिशजू कहा जाता है। हस्त, है। इससे पहले आपने एक लफ्ज़ सीखा था अस्त, तो मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि अस्त और हस्त में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों का मतलब है यानी इज़। आन, वो। यही दो लफ्ज़ इन और आन जो इसमें इशारा कहलाते हैं, और इससे पहले मैं इनके बारे में वजाहत कर चुका हूँ। इन्हीं की मदद से आइए कुछ जुमले बनाते हैं। इन खिताबस्त, ये किताब है। इन दफ्तरस्त, ये कॉपी है। इन कलमस्त, ये कलम है। इन खानेस्त, ये घर है। इन मेदादस्त, ये पेंसिल है। इन मीज़स्त, ये मेज़ है। आपने गौर किया होगा कि मैंने मेज़ को फ़ारसी बोलते हुए मीज़ तलफ़ुज़ किया है। मैं ऐसा करता चलूँ कि जदीद फ़ारसी में वही फ़ारसी जो आज बोली जाती है, याए मजहूल मौजूद नहीं है। याए मजहूल, जिसे हम बिलअमूम बड़ी ये कहकर बुलाते हैं, ये ना लिखी जाती है और ना ही बोली जाती है। इसकी जगह याए मारूफ, जिसे हम उर्फ आम में छोटी ये कहते हैं, यही लिखी और बोली जाती है। तो मैं फ़ारसी में कहूँगा मीज़ और उर्दू में कहूँगा मेज़। अगला जुमला है, आन दरस्त, वो दरवाज़ा है। इन संदली अस्त, ये कुर्सी है। आपने देखा कि कुर्सी के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया वो संदली है। इसके बारे में एक कहानी मशहूर है कि शुरू शुरू में जब कुर्सी बनाई गई तो वो गालिबन संदल की लकड़ी से बनाई गई, और उसे इसी मुनासिबत से संदली कहा गया। लेकिन आज जदीद दौर है, अगर आप
लोहे की कुर्सी बनाएं या लकड़ी की या प्लास्टिक की, आप उसे बहरहाल संदली ही कहेंगे। अगला जुमला है, इन जनस्त, ये औरत है। इन मर्दस्त, ये मर्द है। आन दरस्त व इन पंजरे अस्त, वो दरवाजा है और ये खिड़की है। आपने देखा कि मैंने इसे पिंजरा तलफ़ुज़ नहीं किया बल्कि पंजरे कहा है, तो आप इस तलफ़ुज़ को जहन में रखें। इन मुअल्लिमस्त आन शागिर्दस्त, ये उस्ताद है वो शागिर्द है। आप देखिए कि मुअल्लिम या उस्ताद और शागिर्द, ये तमाम ऐसे अल्फाज हैं जो उर्दू में भी बिलअमूम इस्तेमाल किए जाते हैं, गोया उर्दू और फारसी के इश्तराकात आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने आते चले जा रहे हैं। अगला जुमला है, आन किताबस्त दफ्तर नीस्त, वो किताब है कॉपी नहीं है। आन किताब हामिदस्त, वो हामिद की किताब है। इस जुमले के ज़रिए हम ये सीख सकते हैं कि किताब हामिद में इजाफत इस्तेमाल की गई है, जिसे हम इस्तेलाह में कसरे कहते हैं और उर्फ आम में ज़ेर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। गोया किताब हामिद कहकर हमने हामिद की किताब मुराद ली है। आन किताब हामिदस्त यानी वो हामिद की किताब है। अब यही इस्तेलाह इसी अंदाज में दीगर जुमलों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन चंद जुमलों के बाद इसी सबक के बाद के हिस्से में चंद जुमले दिए गए हैं जिन्हें मैं आपके लिए पढ़ता हूं और उसका उर्दू तर्जुमा भी करता हूं। इन मर्द बागबानस्त, ये शख्स माली है। अगरचे बागबान भी उर्दू में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है और लाहौर का एक इलाका बागबानपुरा भी कहलाता है। इन मर्द बागबानस्त, इसमें देखिए अगर आपने इन और अस सीख लिया तो मर्द और बागबान ऐसे कलिमात हैं, ऐसे अल्फाज हैं जिनसे हर उर्दू जानने वाला शख्स वाकिफ है। ऊ दर बागस्त, ऊ ज़मीर है, ज़मीर शख्सी, जिसे हम ही या शी यानी वो शख्स या वो औरत के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस ज़मीर के बारे में तफसील से मैं इंशाल्लाह आपको अगली क्लासेस में बताऊंगा। फ़िलहाल आप यही सीख लीजिए कि ऊ से मुराद वो शख्स या वो औरत दोनों हो सकते हैं। दर का मतलब है मैं यानी इन और इनसाइड। बाग उर्दू में भी बाग ही होता है। अस्त का मतलब आप पहले ही सीख चुके हैं और जब हम कहेंगे ऊ दर बाग अस्त तो इसका मतलब होगा वो बाग में है। इन बाग जीबा अस्त, ये बाग खूबसूरत है। जीबा जिसे हम उर्दू में ज़ेबा कहते हैं, फ़ारसी में ज़ीबा तलफ़्फ़ुज़ करेंगे। इसके अलावा बाकी तमाम कलिमात आप पहले ही सीख चुके हैं। आन बाग यानी वो बाग, पुर अज दरख्त व गुलस्त, पुर का लफ्ज़ भी उर्दू या फ़ारसी दोनों में यकसा इस्तेमाल होता है यानी भरा हुआ। अज आपके लिए नया है और इसका मतलब होता है से, अगरचे अज उर्दू में भी इस्तेमाल होता है लेकिन फिर भी आप इस चीज़ को जहन नशीन कर लें कि हम जहाँ जहाँ फ्रॉम या से इस्तेमाल करते हैं वहाँ फ़ारसी में अज इस्तेमाल होता है। दरख्त उर्दू में भी दरख्त ही है और गुल
यानी फूल, अगरचे उर्दू में लफ्ज़ फूल भी इस्तेमाल होता है, लेकिन अहले उर्दू, उर्दू जानने वाले गुल से भी कतअन ना आशना नहीं है। इसी से गुलाब, गुलजार और गुलिस्तान जैसी तराकीब हमारे यहाँ पहले से मौजूद हैं। तो ये जुमला मैं फिर से दोबारा पढ़ता हूँ, आन बाग फोरज दरख्तो गुलस्त, वो बाग दरख्तों और फूलों से भरा है। फारसी बीन तबीबीनी नक्शहाय रंग रंग, बोगजर अज मजमुए उर्दू के बी रंग मनस्त। हर कौम और मिल्लत की इज्जत और इख्तदार के बुनियादी अवामिल में से एक उस मुल्क की तारीख, मसब और जुबान की तकवियत है। और पाकिस्तान में ये तीन रुख हैरत अंगीज हद तक फारसी जुबान और अदब में जलवेगर नज़र आते हैं। एक तरफ तो फारसी जुबान और अदब इस सरजमीन का जुज़ विलायनफक है और दूसरी जानब तसव्वुफ़ और इरफान के मौजू पर कीमती इस्लामी कुतुब फारसी जुबान में ही लिखी गई है। और हम ये कहने में हक़ बजानब हैं कि फारसी जुबान उर्दू जुबान की माँ है, लिहाजा पाकिस्तान में फारसी जुबान की तरवीज और सकाफती वर्से की हिफाजत के अलावा नौजवान नस्ल की इस्लाम के मुताले के सिलसिले में अहम किरदार अदा करते हैं। अल्लामा इकबाल, गालिब और बीसियों दूसरे फारसी जबान के शुअरा जिन्होंने अपने कल्बी एहसासात को फारसी जबान में पेश किया, नई नस्ल के लिए मशअले रा... दर बाग एक खिलाग अस्त, दर बाग बाग में, यक लीजिए आपने फारसी गिनती सीखने का भी आगाज़ कर दिया। फारसी में एक के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसे यक तलफ़ुज़ करते हैं, और किलाग यानी कव्वा। दर बाग एक खिलाग अस्त, बाग में एक कव्वा है। लीजिए हमने नहायत आसानी के साथ चंद लम्हों में फारसी के इब्तदाई ये चंद जुमले सीख लिए। इसी सबक की मश्क नीचे दी गई है और आपसे जुमले मुकम्मल करने को कहा गया है। इन अस्त दो अल्फाज मौजूद हैं और इसके नीचे चंद दीगर अल्फाज दिए गए हैं जिनकी मदद से आप ये जुमले मुकम्मल कर सकते हैं। खाने यानी घर, दानिशगाह यूनिवर्सिटी, पोस्ट खाने यानी पोस्ट ऑफिस, इदारे दफ्तर यानी ऑफिस, बाग यानी गार्डन, या उर्दू में इसे बाग ही कहते हैं। आइए इन अल्फाज को आइए इन अल्फाज की मदद से ये जुमले मुकम्मल करते हैं। इन खाने अस्त, इन दानिशगाह अस्त, इन पोस्ट खाने अस्त, इन इदारे अस्त, इन बाग अस्त। इसी तरह से दीगर दिए गए जुमले भी मुकम्मल किए जा सकते हैं। मैं ये जुमले मुकम्मल सूरत में आपके लिए पढ़ता हूँ। आन जन अस्त यानी वो औरत है, आन मर्द अस्त यानी वो मर्द है, आन फिसर अस्त वो लड़का है या वो बेटा है, आन दुख्तर अस्त वो बेटी है या वो लड़की है, आन मादर अस्त वो माँ है, और आन पिदर अस्त वो बाप है। यहाँ आपने दो नए अल्फाज सीख लिए, मादर और पिदर, मादर माँ के लिए और पिदर बाप के लिए। इससे अगले सवाल में भी आपको इन अस्त और आन अस्त के साथ कुछ अल्फाज दिए गए हैं जिनकी मदद से ये जुमले बनाए जा सकते हैं। अहमद लड़के का नाम होता है, परवीन बिलमूम हमारे यहाँ लड़कियों का नाम रखा जाता है, उस्ताद वही उस्ताद है, दानिशजू आप सीख चुके हैं कि इसका मतलब तालिब इल्म, क्लास, मदरसा और दानिशगाह जैसे अल्फाज भी
آپ سیکھ چکے ہیں. دانشگاہ پھر عرض کر دوں, ہمارے ہاں یونیورسٹی کے طور پر استعمال ہوتا ہے. یعنی اگر میں کہنا چاہوں پنجاب یونیورسٹی تو میں کہوں گا دانشگاہ پنجاب. اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی کلاس کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.